जी स्वागत है इस लैक्चर के 3.3 का पार्ट टू। पहले पार्ट से आप दो क्वेश्चन कर चुके, इस पार्ट तो आप थर्ड क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हाँ जी देखो पहला की है, कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरलोग्राम इफ। कहना आप नीचे इन्होंने कंडीशन दस दी कि कहना जो एक कंडीशन पूरी होंगे तो कि ए बी सी डी एक पैरलोग्राम बन सकती है, कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहली कंडीशन दी कहना जे कहना डी ते बी कहना जे कहना डी ते बी का जो जोड़ है वह 180 हो जाए एंगल डी ते बी का, कहना जे दोहां का जो सम है 180 हो जाए कहना कि ए बी सी डी पैरलोग्राम बन सकती है। देखो हुण तुसीं उरे देखो ए बी सी डी जे पैरलोग्राम होंगी तो यह दोनों जो बराबर होणगे तां तां होऊगी। हूँ जो मान लो इन्होंने जोड़ 180 है, हो सकता आ भी 90 हो, आ भी 90 हो, अपन तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने जोड़ दसता। हो सकता यह 110 हो कि 70 हो, 180 बन जू, पर जे यही कंडीशन हुई तो यह पैरलोग्राम हो नहीं सकती। तो इतने आप कह नहीं सकते भी यह पैरलोग्राम होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है पर यह की है पक्का नहीं कह सकते भी जरूरी होगी होगी। आप लिख सकते सिर्फ ये हो सकती है पैरलोग्राम। ठीक है जी, तो आप नहीं कह सकते तो आप लिखा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है पर जरूरी नहीं है। जरूरी जी आप जे एंगल बी ते डी बराबर होंगे भी हो सकती पक्का तो भी नहीं सीगा। हाँ पर जे जे एंगल ए ते सी आपस बराबर हो एंगल बी ते डी बराबर हो फिर यह पैरलोग्राम हो सकती सी। ठीक है, इस कंडीशन मतलब कि जी पहली कंडीशन ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगे देखो जी पार्ट टू कहना जी कहना ए बी सी डी पार्ट टू दिखा हम आप जी पार्ट टू की क्या है कहना जे ए बी बराबर डी सी दे हो ए बी तो डी सी दोनों 8-8 हो। देखो जी की कह रहे हैं कहना ए बी भी 8 हो गए, आ भी 8 है कहना आ भी 8 हो गए तो ए डी 4 हो गए बी सी 4.4 हो गए तो यह पैरलोग्राम हो सकती है। अपने पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी सी जी पैरलोग्राम होंगी है वो सन्मुख भुजावं की आ जाए ने बराबर आ जाए ने। बेसिक पार्ट देखे तुम्हें वो एक प्रॉपर्टी सी जी आमने सामने साइड होंगे ने ओपोजिट साइड सन्मुख भुजावं बराबर होंगे पर इतने का बराबर नहीं 8-8 पर यह 4 है 4.4 है इस करके बराबर नहीं है इस करके यह पैरलोग्राम यह जी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। ठीक है जी पार्ट टू के नहीं हो सकती। अगे पार्ट थ्री जे ए कौन किन्ना कहना 70 है, जे ए किन्ना 70 है तो सी 65 है तो यह पैरलोग्राम हो सकती है नहीं हो सकती जी, क्योंकि आप पढ़े भी पैरलोग्राम सन्मुख कौन की होंगे ने बराबर होंगे ने, पर जे उरे बराबर नहीं है तो यह पैरलोग्राम नहीं हो सकती। तो तीजे पार्ट के जी पैरलोग्राम नहीं हो सकती जो सोल्यूशन है तुम देख सकते हो असी सोल्यूशन। ठीक है जी, जे 70 है तो 65 पैरलोग्राम नहीं हो सकती, सारा लिखा हुआ तुम अपनी कॉपी के उपर नोट डाउन सारा लिख सकते हो कर सकते हो। हाँ जी अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो कहता ड्रा ए रफ फिगर कहता एक रफ फिगर ड्रॉ करो ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मतलब की होंगे एक चतुर्भुज दा रफ चित्र खिंचया है जिहड़ा समांतर तो ना हो पर जिहड़ा समांतर ना हो पैरलोग्राम ना हो पर उहदे दो जिहड़े एग्जैक्टली जिहड़े ओपोजिट एंगल बराबर हो। देखो आपां की पढ़िया हुण तक पैरलोग्राम दे विच की हुंदा है, एक आपां पैरलोग्राम ड्रॉ कर लैंदे आ उहदे विच आपां ने हुण तक की पढ़िया हैगा पैरलोग्राम दे विच सन्मुख कोण की हुंदे ने बराबर हुंदे ने दोनों दोहे सन्मुख कोण। ठीक है जी, आवला कोण इहदे बराबर हुंदा हैगा तो जोड़ा आवला ये दो कोण आपस बराबर होंगे जो ग्रीन है ये ग्रीन के बराबर होंगे। हूँ यह कहना कहना एक ऐसी पिक्चर बनाओ जी की हो कोआर्डिनेटर, कोआर्डिनेटर मतलब होंगे एक चतुर्भुज जिसे चार भुजावं का होन आप बनानी है तो सिर्फ वो दो सन्मुख कोण बराबर होन एग्जैक्टली सिर्फ दो मतलब कि दो आमने सामने बराबर हो बराबर ना हो कहना यह जी शेप कि बनू। हूँ देखो जी मैं एक शेप बनी हुई है ए बी सी डी आ भी कौन 110 का बनाता अपने आ भी 110 का बनाता ये पर आवला कौन छोटा है ये कौन बड़ा है ये कौन बिल्कुल छोटा है तो यह की ने बराबर नहीं है तो इस शेप में कहना एक कहना कि शेप कि बनती है ये शेप बनती है काइट थंगली शेप। देखो एक आप काइट शेप ड्रॉ करके सूँ दसते हैं सूँ ये चीज़ सारी समझ लग जूगी
वैसे भी काइट शेप ही है, थोड़ा जहा बटेटा काइट है, सोने का प्रसिद्ध तरीके काइट बना के दस दें थोड़ा, ये चीज़ लग जू। हाँ जी देखो एक आ पिक्चर ड्रॉ कर दी, तुम अभी कॉपी पर ड्रॉ करना पहला काइट, ठीक है जी, फिर एक आ पिक्चर ड्रॉ कर दी। हाँ जी देखो ये दो कोण तो आप बराबर हो गए, ये तुम कॉपी पर ड्रॉ करके बनाओगे बराबर कोण बनाओगे बराबर बन जाएंगे, ठीक है जी। पर कौन तो कौन बराबर नहीं है, देखो ये कौन तो बड़ा है बहुत ज़्यादा, ये कौन छोटा है, ठीक है। तुम इस तरीके का ड्रॉ करके देखनी है तो कि शेप बनती है, काइट शेप बोलिया जाता है। तुम पहले एक दो लाइन इस तरीके ड्रॉ कर लो बराबर लेंथ दिया, फिर बनूगी बराबर लेंथ दी ड्रॉ कर लूंगे, इतने दो हाँ बराबर कौन बना दोगे, ठीक है जी। थोड़ा जहा इस तरीके कौन बना दे बराबर, ये प्रॉपर काइट शेप बन गई, ठीक है जी। तो तुम देखोगे जो दो कोण ने यह तो आपस के हो गए बराबर हो गए, आ दो कोण बराबर नहीं हो गए, ये नहीं हो, ठीक है जी, इन्हू काइट शेप बोले जी। अगे तो हम आप करा क्वेश्चन नंबर पांच, हाँ जी क्वेश्चन नंबर पांच दे विच की दिता है अपन, द मेजर ऑफ टू एडजसेंट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इन 3:2, कहता दो एंगल ने पैरलोग्राम किन्ने बनने 3:2 का अनुपात है उन्होंने, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरलोग्राम। दो कोण ने उन्होंने अनुपात दिता हो 3:2, कि एंगल ने एडजसेंट एंगल ने लागवे कोण ने लागवे कोण, ठीक है जी, उन्होंने अनुपात दिता 3:2। अपने हम आप माप पता करना, पहला अपने एक कोण कि मान लिया 3x, एक कोण कि मान लिया अपने 2x, अब मान लिया जो दो लागवे कोण ने 3x से 2x, हूँ जो कोण लागवे कोण ने मतलब कि किड़े एंगल ने एडजसेंट एंगल ने तो इन्हों का जोड़ कि होगा, पैरलोग्राम है जो 180, तो आपने 3x + 2x बराबर 180 करता, ना लिखा समांतर चतुर्भुज के लागवे कोण संपूरक होंगे हैं पंजाबी, इंग्लिश लिखा एडजसेंट एंगल इन द पैरलोग्राम आर सप्लीमेंटरी, ठीक है। तो करके 3x + 2x बराबर 180 दे, 5x = 180 दे, इतों एक्स की वैल्यू आप निकाल लाँगे, एक्स की वैल्यू आ जाऊगी 180 में 5 दे भाग कर देंगे कि आ गई 36 आ गई। तो एक एंगल कि 2x एक 3x, पहले आप 3x एंगल की वैल्यू पता कर ली, 3 × 36 108 डिग्री, आ एंगल तो 108 डिग्री आ गया, आ एंगल कि आ गया 2x कि आ गया है 2 × 36 72 डिग्री, ठीक है जी। देखो इन्होंने जोड़ 180 बनता है 108 ते 72, तो यह 36 के भाड़े से कट के 3:2 देंगे, 36 के भाड़े से कटा 36 × 108 36 × 72 3:2, ठीक है जी। इस तरीके आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, दो लागवे कौन सी उन्होंने 3:2 सीगा माप का अनुपात, तो आप 3x + 2x मान लिए दोहां नूं जोड़दा किन्ने बन गए 5x, उसकी वैल्यू कितनी 180, क्योंकि लागवे कौन ने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 वटे 5 = 36 दे, तो फिर आपने की किया 3x की वैल्यू पता कर ली 108 आ गई, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 36 × 72। इस तरीके का अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। हाँ जी अगे क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता टू एडजसेंट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर हैव इक्वल मेजर, कहता दो पैरलोग्राम के एंगल ने बराबर ने, कहता हुण तुसीं एक चीज़ दसो मैनू, तुसीं आप ही सोचो एक पैरलोग्राम है आप ड्रॉ कर लिए एक पैरलोग्राम, कहता ये एडजसेंट एंगल बराबर ने, आते दोनों एंगल बराबर ने, जे आवला एंगल भी एक्स होगा तो आ भी एक्स है, जो दोनों बराबर ने तो दोनों का जोड़ कि 180 होगा, हम 180 जो बराबर हिस्से वंडा तो आ भी 90 होगा, आ भी 90 होगा, जे आ 90 है तो यह भी 90 सन्मुख कौन, आ भी 90 भी सन्मुख कौन 90 आ जाऊगा, क्योंकि आ एंगल तो आ एंगल बराबर ने, सारे एंगल की हो गए 90 90, तो बस अपना क्वेश्चन का आंसर भी यही इसी तरीके करना है। आपने एक एडजसेंट एंगल मान लिया अपने एक्स, जो लागवा कौन कह मान लिया अपने एक्स, आपको पता कि लागवे कौन जोड़ कि 180 सप्लीमेंटरी एंगल होंगे ने संपूरक, तो एक्स प्लस एक्स बराबर कि बन जाऊ 180, 2x कि बन जाऊ 180, एक्स कि आ गया 90, तो सारे एंगल की बन रहे 90 90, ठीक है जी। तुम देख ही लिया उरे जी आ एंगल 90 आ जाऊगा पैरलोग्राम का, ठीक है जी, आ भी 90
इधरों आ इंगलवी का की है 90, तो फिर ये सामने आ कौन है, ये भी 90 है, ये सामने आप होना है भी है 90, तो सारे एंगल की आएंगे 90 डिग्री। ठीक है जी, तो इस तरीके आप क्वेश्चन भी अपना क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। हूँ आप दिखाएं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, सवाल नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर जी नीचे फिगर दे रखी है होप HOP उरे डबल जो नहीं आता, उरे मिस्टेक है, उरे ई आऊगा पंजाबी दे विच, ठीक है HOP एक ये एक पैरलोग्राम है, HOPE एक पैरलोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, अपन XYZ की वैल्यू पता करनी है सारे एंगल्स। हाँ जी देखो XYZ, हूँ देखो इस सवाल के आप कि स्टार्ट करा तो किमें सवाल। हाँ जी देखो, सब तो पहले आप पता लगावे एंगल एक्स, एंगल एक्स आपको पता लगता है कि उही होगा जोड़ा एवल एंगल होगा। सब तो पहले अपन आवला एंगल पता करना पेगा जरा हरा एंगल आप मार्क किया हो, आपको पता कि इन दोहों का जोड़ किन्ना है, इस एंगल तो इस एंगल का 180, क्योंकि की ने यह लीनियर पेयर बना रेखी जोड़ा बनता है, सीधी रेखा बनती है, इन्होंने जोड़ 180 होंगे, जो एंगल 70 का 110 का आ जाऊगा अपने को लिखा एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 आ जाऊगा, क्योंकि की ने लीनियर पेयर ने यह की बनता एक रेखी जोड़ा बनता है। ठीक है जी, रेखी जोड़ा तो HOP एंगल कितना आ गया अपने को 70 डिग्री आ गया, अपन एंगल HOP पता लग गया कि 110 डिग्री आ गया, क्योंकि 180 के 70 माइनस करते 110 आ गया, 110 जी है तो एक्स की वैल्यू भी कि आज 110 आ जाएगी, एंगल एक्स भी 110 हो जाएगा, एंगल पी, ठीक है जी तुसी ध्यान नाल देखो एंगल PEH मतलब कि या फिर एंगल ई बराबर की है 110 दे, क्यों आ जाऊगा, क्योंकि ये की ने सन्मुख कौन ने 110। ठीक है जी, अगे देखो एक्स निकलिया अपने को, हूँ आप पता करना एंगल जैड तो एंगल वाई, हूँ तुम उरे फिर देखो आपको की दिता है एक समांतर बनती है चतुर्भुज है, पैरलोग्राम है एक, तो जे आप उरे जैड देखो कि एंगल 40 डिग्री कि बराबर होगा, ये वाई तो बराबर 40 होगा, क्योंकि HE देखो HE तो अपने को जी HE रे ई जी लाइन है ये पैदल कि है OP दे, तो HP की है एक ट्रांसवर्सल है एक तिरछी रेखा काटवी रेखा जिन्होंने कहने HE पैरलर PO दे, तो आ की है एक ट्रांसवर्सल, तो उरे कि शेप बन गई जैड शेप, तो यह एंगल 40 बराबर की एंगल वाई दे, इन्हों की बोलते हैं आप एकांतर कोण, या इन्हों बोलिया जाता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है जी, 40 बराबर की आ गया वाई दे, वाई कि आ गया 40 डिग्री के बराबर, तो एंगल वाई भी निकलिया अपने को 40। हूँ पता करना अपने एंगल जैड, हूँ जो आप एक ट्रैंगल देखिए, आ ट्रैंगल देखो तुम, इस ट्रैंगल देखो HOP ट्रैंगल देखो, ट्रैंगल HOP आ एंगल कि 110 का, आ एंगल कि पता किता आप हूँ 40 का, आ एंगल कि जैड है अपने पता करना है, ट्रैंगल तिने एंगल का सम कि होंगे 180, तो आप लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल जैड प्लस एंगल 110 बराबर 180 के, एंगल वाई तो दोनों 150 हो गया, पिछले जैड कि बच जूगा 30 का। ठीक है जी, तो इस तरीके आप एंगल जैड भी पता कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर होर तरीका यदा की है, जे आह एंगल देखो तुम देखो, जे अपने को आह एंगल 110 का, या अपन इस तरीके भी कर सकते हैं, आह एंगल कि 110 का, तो अपन पता आह एंगल इन्ना कते आ सारा एंगल ये जोड़ कि होगा 180 बनेगा, कि एंगल का बनेगा दोबारे देखो, आह इन्ना एंगल 110 तो यदा जोड़ 180 बनू, क्योंकि की ने लाग रहे कौन ने 180 में 110 तो ये बन बाहर निकले, पिछले किन्ने बच गए 70,
सत्तर चो चाली आ बार निकल किन्ने बज गए पिछे दी तो जेड किन्ना आ गया ती तो आप इस तरीके भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी दो तरीके ने हाँ दो आप भी जिम्मे मर्जी सूँ ठीक लगता उस तरीके ट्राई कर सकते हो। सब तो पहला बस ये क्वेश्चन समझो इन्हें बहुत आसान ने इस तो अगर देखो जी ये सोल्यूशन है तुम देख सकते हो किमें किमें कितने पे वीडियो तुम बार बार देख सकते हो तो क्वेश्चन समझ सकते हो। तो अगे क्वेश्चन नंबर आप अठ करा हम हाँ जी क्वेश्चन नंबर अठ देखो हाँ जी क्वेश्चन नंबर अठ देखो ये की दिता है आपको द फॉलोइंग फिगर्स जी यू एन एस गन्स एंड आर यू एन एस रनज आर पैरलोग दो पार्ट हैं दो पार्ट करा पहला आप फस्ट पार्ट कर रहे हैं गन्स वाला जी यू एन एस कहता ये क्या ये पिक्चर ने दो पिक्चर से रखे ने अपने आपने की करना है एक्स के वाई की वैल्यू पता करनी है। आ एक पिक्चर है जी यू एन एस एक पैरलोग्राम है उसके आह लेंथ कि 26 है आह कि 3y-1 आह 3x आह कि 18 हुण इहदे विच की होगा आ साइड आपस में बराबर होंगे क्योंकि पैरलोग्राम है जी यू कि बराबर होगी एन एस के बराबर होगी तो आप की लिखांगे तो जी एस कि बराबर होगी यू एन के तो पहला हम आप बराबर लिखांगे 3x=18 तुसीं देखो जो 3x=18 आ गया अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 18/3=6 cm। ठीक है जी 3x=18 आ गया एक्स कितना आ जाऊगा 18/3=6 cm। तो उस तो बाद अपन हो रखे क्या जी यू जी है बराबर कि एन एस दे 3y-1 बराबर कि 26 दे 3y-1 = 26 दे 3y कि आ गई एक उधर जाए कि हो जूगा प्लस का 26+1 बन जूगा तो बन जूगा 27 दे 3y की वैल्यू कि आ गई 27 आ गई वाई कि आ जूगा फिर 27/3=9 दे 9 cm। तो इस तरीके अपना क्वेश्चन पूरा हो गया यदा जी यू एन एस वाला पार्ट गन्स पैरलोग्राम वाला पार्ट अगे देखो एक पैरलोग्राम हो रहा रनज इस देखो अपने बेसिक पार्ट की पढ़िया हूँ देखो ये दो डायगनल दिते हुए ने आ लेंथ इन्नी कि है कि 16 आ इन्नी लेंथ कि है आ लेंथ देखो है कि 16 आ हैगी अपने को x+y तो ओ आर ते ओ एन की होंगे बराबर तो ओ एस ते ओ यू की होंगे आपस बराबर होंगे क्यों क्योंकि जो डायगनल होंगे ने पैरलोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी आप प्रॉपर्टी बहुत चंगी तरह पढ़ी सी तो हम देखो आप लिखांगे ओ आर बराबर ओ एन दे ते ओ एस बराबर ओ यू दे पहला आप ओ एस बराबर ओ यू लिख लिया होगा ओ एस किन्ना बी है जी वैल्यू ओ यू किन्ना y+7 बराबर कि आ गया बी दे आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20-7 बराबर कि आ गई 13 cm तो अपने को वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है जी वाई कि आ गया 13 हम अगले पार्ट से देखो x+y कि अपने को बराबर की 16 के पर उरे वाई कि है 13 निकाल चुके पहला आप एक्स की वैल्यू पता करनी है एक्स कि आ जूगा 16-13=3 cm। ठीक है जी एक्स कि आ गया 13 cm वाई कि आ गया 13 cm। ठीक है जी अपना सैकेंड पार्ट से इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया अपना सॉरी 7 नहीं 8 पूरा हो गया अगे देखांगे आप क्वेश्चन नंबर 9 वो आप देखांगे दो नैक्सट पार्ट के। ठीक है जी थैंक यू इस वीडियो में तुसी बार बार देखोगे तो सानू समझ लग जूगा नैक्सट पार्ट लिए थोड़ी जी वेट करो जल्दी सानू नैक्सट पार्ट मिल जूगा। थैंक यू।